टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाशिवरात्रि के मौके पर रीदा रशीद ने लगाए जय श्री राम के नारे और 1000 किलो शक्कर प्रसाद के रूप में बांटा। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं भोले भाव के भूखे हैं वो अपने भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। या यही वजह है कि आज मुमरा के शंकर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की तांता लगा रहा है। इस बीच अरसिया वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष रीदा रशीद इस मौके पर अपने समर्थकों के साथ 1000 किलो शक्कर का मतलब प्रसाद के रूप में बांटा है, दिया है और फिर जय श्री राम के नारे के साथ क्या कहा है सुनी। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में आप बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ मुमरा के शंकर मंदिर पर आई हैं और आपकी तरफ से यहाँ पर कुछ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, क्या जानकारी? सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज सभी को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामना है। वैसे ही भोले हमारे सर पे रहे, भोले का ध्यान रहे, भोले की आंखें हमारे पे रहे, ये आज के दिन मैं प्रे करूँगी। और आज जैसे सभी बहनों के साथ आई हूँ, हमेशा मंदिर में आती हूँ मैं और हमेशा दर्शन तो लेती हूँ, लेकिन आज एक संकल्प लिया है। क्या हम बहुत बैनरबाजी करते हैं, हम बहुत रस्तों पे बैनर लगाते हैं और लोगों को ये शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बैनर पे शुभकामनाएं देने से लोगों के पास शुभकामनाएं पहुँचती है क्या? ये मुझे ऐसा लगा तो मैंने सोचा आज हम लोग जब मंदिर में जाए या हम सभी को शुभकामनाएं दे तो कुछ ऐसा करें जिससे ये जो वेस्टेज पैसा जाता है बैनर के पीछे और लोगों को जो बैनर पे हम हमारी शक्लें दिखाते हैं, तो मुझे वो लगा कि वो न करते हुए कुछ अलग किया जाए। तो हमने प्रसाद के रूप में क्या करूं, तो बहुत लोग बहुत कुछ बांटते हैं, तो मैंने कहा कि मैं शक्कर बांटूंगी सभी बहनों को और सभी भाइयों को। मुँह मीठा, देखिए शक्कर बोलते ना, गरीब के घर में जाएंगे ना तो आपको कहीं मिठाई नहीं मिलेगा, तो गरीब शक्कर और पानी तो देता ही है हमें। तो मुझे लगा कि शक्कर से सभी का मुंह मीठा करके आज का ये त्यौहार मनाया जाए, तो मैं सभी के लिए शक्कर के रूप में सभी के लिए प्रसाद ले आई। देखिए मेरे लिए ये दोनों चीज़ लागू नहीं होती है और ना ही मैं किसी और पे भी लागू करती हूँ, क्योंकि देखिए हम जो देश में रहते हैं वहाँ पर यही तो खूबसूरती है कि हम सभी जगह पे, अभी जैसे कि कल हमारा बड़ा रात था तो हमने बड़ी रात में भी कल कुंडे की न्यास हुई, दावत हुई, तो आज का दिन भी बहुत बड़ा है और दोनों रातें एक साथ हुई थी कल। तो मुझे लगता है ये इससे ज़्यादा खूबसूरती हमारे देश में नहीं है और भगवान और अल्लाह ही चाहते हैं ये रातें हम साथ में बिताए या साथ में मनाएं। तो मैंने हमारी क्या औकात है कि हम इतनी बड़ी रातों को, जो जैसे कल हमने रात बिताई है, तो मुझे लगता है जो ये दो जो वर्ड्स है ये एक है और एकता के साथ ही बिताना चाहिए। मंदिर के प्रांगण में आप जब पहुँचे तो वहाँ पर आपने अपने तमाम महिलाओं के साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए आज का तो त्यौहार है तो डेफिनेटली बनता है क्या, जय श्री राम का नारा लगाना बनता है, जम जम भोले का नारा लगाना बनता है। तो मुझे लगता है देखिए जो त्यौहार है, कल हम लोग ने और कुछ बोला, आज हमने ये तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये खूबसूरती है और ये मुमरा भी बताता है, मुमरा का शहर भी बताता है और शंकर की मंदिर तो मैंने कहा मुमरा के बीचों बीच में है। तो मुझे लगता है ये भगवान ने ये मैसेज दिया है कि बीचों बीच में भगवान बैठे हैं। मैं खुद बोलती हूँ जय